हेलो, यस, यस, नाउ द पार्ट वी आर स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट दैट इज यूनिट वन। और उसमें आपका जो हेडिंग है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़, यस स्टूडेंट्स। तो अपन यूनिट वन का जो रिमेन पार्ट है दैट इज स्ट्रक्चर, तो हेडिंग इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़ को डिफाइंड करते हैं और उसके बाद उसको वन बाय वन अपन उसमें डिटेल प्लेस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से होगा। नाउ सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जाने से पहले अपन डिफाइन करते हैं व्हाट डस मीन बाय आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, वो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक इसमें लगाएंगे स्टूडेंट्स। आइसोमेरिज्म के अंदर वो होगा, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको अपन MF बोलेंगे, और दूसरा होगा मोलर मास जिसको अपन बोलेंगे MM। ये दोनों चीजें जिस स्ट्रक्चर में मिनिमम अगर सेम हो जाती है तो सेम के लिए वर्ड यूज होता है आइसो, इसीलिए वर्ड क्या आ रहा, आइसो। फिर आता मर, मर का मतलब होता है बच्चों पार्ट, ठीक है, पार्ट यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो लेकिन उसमें पार्ट उतने ही होंगे। पार्ट इन द सेंस हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जो भी उस कंपाउंड्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट आपके उतने ही रहेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर ना, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सपोज आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे आपके पास में C2H6O, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और मोलर मास भी उतना ही आएगा, लेकिन इससे मैं कितने स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो देखिए C2H6 है तो अपन क्या क्या बना सकते हैं, एक ऑक्सीजन है। आपने याद इससे पहले जब IUPAC सारे वीडियो वॉच किए होंगे स्टूडेंट्स, तो आपने उसमें देखा होगा IUPAC के अंदर कि उसमें एक वर्ड आया था कि आपका जो C2H6O है वन ऑक्सीजन कंटेन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो वन ऑक्सीजन कंटेन जो फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं बच्चों, उसमें अल्कोहल, स्पेशली जब सिंगल बॉन्डेड हो तो अल्कोहल और ईथर। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे मैं क्या बना सकता हूं, तो CH3CH2OH, एक तो आपका ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और दूसरा जो होगा बच्चों इसी को अगर मैं मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसे लिख सकता CH3OCH3, तो आप देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आ रहा है C2H6, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में आपको एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, जबकि इस वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देखेंगे ROR यानी कि ईथर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप अलग-अलग है, इसीलिए इसमें अपन कह सकते हैं कि इनके अंदर जो मर यानी कि पार्ट जो है वो तो सेम है, टू कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है, वन ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी इनके स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बच्चों वो आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चरली वो कंपाउंड आपको डिफरेंट फॉर्म में दिख सकता है लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो दोनों कंपोनेंट में आपको सेम मिलेंगे, दोनों कंपोनेंट में आपको सेम मिलेंगे। तो ये आपके पास में अल्कोहल और ईथर हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, अब जैसे आपसे कोई पूछेंगे डिफाइन आइसोमेरिज्म, तो लिखिए साथ साथ में डेफिनेशन लिखिए डिफाइन आइसोमेरिज्म। सिर्फ आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले उसके नोट साथ साथ में लिखिए, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं पेन डाउन करिए। तो इसको लिखो दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखिए डेफिनेशन दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स, आर नोन एज आइसोमर्स
एंड फिनोमिनॉन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब इसमें एक वर्ड जो बुक में आपको कई बार लिखा मिलेगा वो होगा स्ट्रक्चरल वर्ड, लेकिन मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई वो ओवरऑल बताई, क्योंकि स्ट्रक्चरल एक पार्ट होता है जो अपन अभी क्लासिफिकेशन में देखेंगे। इसीलिए सबसे जो मिनिमम कंडीशन होती है वो मेंशन करिए डेफिनेशन के अंदर, क्योंकि बाद में जब उसका क्लासिफिकेशन होगा तो फिर वो पर्टिकुलर वर्ड उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। जैसे अभी आपको सिंपली अगर आइसोमेरिज्म की पूछे तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक उसका मोलर मास, ये दो चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अपन अब क्लासिफिकेशन, ये तो हुई डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आपने पेन डाउन कर लिया क्या लिखा, डेफिनेशन वापस मैच कर लीजिए। डेफिनेशन लिखो दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर हैविंग, मिनिमम वर्ड लिखना है विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मोलर मास, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मोलर मास विच आर सेम फॉर्मूला are known as isomers and phenomenon is called isomeries। या तक हो गया, अब लिखो इसके जस्ट आगे classification of isomeries। अगला heading लिखे definition के बाद में classification of isomeries। yes, तो next लीजिए students इसमें classification of isomeries, अगला heading है classification कि कौन कौन से parts होते हैं। तो अगर अपन आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करें तो आइसोमेरिज्म के मेजर कितने पार्ट बढ़ेंगे, तो अगला हेडिंग है वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में बच्चों सबसे पहले आइसोमेरिज्म के जो मेजर पार्ट्स होते हैं पूरी ऑर्गेनिक के अंदर वो दो मेजर पार्ट्स होते हैं, साथ साथ लिखते जाइए बच्चों इसको। आइसोमेरिज्म लिख दिया आपने ऊपर, ठीक है, नोट करते जाइए रफ में स्पीड से, फिर उसको फेयर आउट कर लेना। आइसोमेरिज्म में जो सबसे पहला पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखो आपकी यूनिट वन में जो हेडिंग आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेर, इसका मतलब आपको इस वाले की डिटेल पढ़नी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो होता बच्चों वो सिर्फ नॉलेज के लिए अभी अगली यूनिट में आएगा ये अलग से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये दो मेजर पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी आपके दिमाग में अगर आइसोमेरिज्म वर्ड आता है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, आइसोमेरिज्म कैन स्ट्रक्चरल, आइसोमेरिज्म कैन स्टीरियो। अब आप कहोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चों जो इनमें नाम लिखा हुआ है इस नाम के अंदर ही इसका मीनिंग है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कैसे कि जो वर्ड लिखा हुआ है अगर उसका वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो उसके आगे डिफरेंट वर्ड जोड़ दीजिए। जैसे इसमें तो वर्ड में कोई मीनिंग यही रहेगा, तो वर्ड आगे क्या जोड़ना आपको, डिफरेंट, एक वर्ड जोड़ना डिफरेंट इन, और क्या हेडिंग आया हुआ स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये डिफरेंट इन स्ट्रक्चर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो अभी अपन लिखेंगे, ठीक है, सोच के रखिए। और जो स्टीरियो वर्ड है बच्चों ये लेटिन टर्म है। स्टीरियो का अगर अपन इंग्लिश में देखेंगे तो स्पेस, स्काई जो है, जैसे आप मान लीजिए स्टैंड पे खड़े हो, ऐसे स्टैंड खड़े हो जाओ, अपने हाथ को अगर ऐसे हवा में फैलाते हैं तो इसका मतलब आपके जो हैंड्स है वो हवा में फैल रहे हैं, तो ये स्टीरियो फॉर्म में, तो हैंड्स अपनी पोजीशन पे ही है लेकिन वो हवा के अंदर क्या हो रहे हैं, एंगल्स बना रहे हैं, तो ये कहलाता है स्टीरियो, जिसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। तो स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस या स्काई, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंट इन स्पेस अरेंजमेंट। जैसे आप सेल्फी लेते हैं तो आप क्या करते हैं उसके अंदर अलग अलग एंगल से लेते हैं, तो ये क्या है, स्टीरियो अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, स्पेस के अंदर आप अपना एक्शन चेंज करके जो पिक्चर ले रहे हैं वो अपने आप में स्टीरियो फॉर्म्स है आपकी पिक्चर। तो इसीलिए स्टीरियो के अंदर जब भी आप लिखेंगे तो यहां पर बोलेंगे डिफरेंट इन स्पेस, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंट इन स्पेस अरेंजमेंट, स्पेस समझ गए स्काई, ठीक है, अरेंजमेंट। तो मॉलिक्यूल इसमें मोस्टली बच्चों एंगल चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा, एंगल चेंज होते हैं,
ठीक है, एंगल चेंज। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर आपको बैंड शेप मिलेगा, तो ये उसका स्पेस अरेंजमेंट है। किसी का भी कोई भी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पे जो भी उसका एंगल बनता है, तो वो स्टीरियो फॉर्म्स बनती है। सिस्ट्रांस वो इसकी स्टीरियो फॉर्म्स होती है। तो ठीक है, इसी तरह से तो अब आपको इसमें से इसकी डिटेल इस वाली यूनिट में नहीं है, तो इसका सिर्फ आइडिया ध्यान रखिए। स्टीरियो तो दो तरह के मेजर आइसोमेरिज्म होते हैं, वन इज स्ट्रक्चर, अनदर वन इज स्टीरियो। स्टीरियो में सिर्फ स्पेस अरेंजमेंट, स्काई के अंदर मॉलिक्यूल किस एंगल पे है, जैसे सिस ट्रांस, ठीक है, सेम प्लेन अलग हो सकता है, प्लेन डिफरेंट और सेम हो सकता है। अब आपको जो डिटेल पढ़नी है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब लिखिए इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ, लिखिए साथ साथ में फटाफट, डेफिनेशन ऑफ, यहां तक क्लासिफिकेशन में यहां तक अभी रोक दीजिए। अब इससे पहले इसकी डेफिनेशन और इसकी क्लास जो आपको इसमें कंप्लीट करना है। यस रेडी, लिख दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसमें डेफिनेशन लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अब यहां पे क्या करना बच्चों, क्योंकि जब भी अपन आइसोमेरिज्म कहते हैं तो इसका मतलब आइसोमर है, और आइसोमर वर्ड का मतलब ही यही होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मोलर मास तो सेम होगा ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आपसे कोई ये थोड़ी पूछेगा कि आपने ट्वेल्थ पास की है क्या, क्योंकि अगर आपने कॉलेज वर्ड बोल दिया है इसका मतलब आपने स्कूलिंग पास की है, ये मीनिंग हुआ ना मिनिमम। तो इसीलिए अगर मैं आइसोमेरिज्म वर्ड बोलता हूं तो मुझे ये कहने, जैसे ही मैं कहता हूं आइसोमर, तो इसका मतलब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मोलर मास सेम होगा क्या। ऑफकोर्स 100% होगा, क्योंकि ये तो मिनिमम डिग्निटी है किसी आइसोमेरिज्म की कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मोलर मास सेम आना ही चाहिए। फिर ये हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर अलग है, जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल दिया था क्लास के स्टार्टिंग के अंदर कि C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो उसमें अल्कोहल भी बन सकता है, ईथर भी बन सकती है, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आया, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, लेकिन उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मोलर मास सेम है। इसीलिए जब आप नेक्स्ट डेफिनेशन देते हैं तो पूरी रामायण की जरूरत नहीं है, आप आइसोमर वर्ड यूज कर लीजिए। जैसे ही आप आइसोमर वर्ड यूज कर लेंगे तो इसका मतलब ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूड हो गई है। ठीक उसी तरह जैसे कोई स्टूडेंट कहता है मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, इसका मतलब उसको स्कूलिंग की है, तो ये इंक्लूडेड हो गया उसके अंदर। क्लियर, तो ये नोट हो गया। अब इसीलिए मैंने सीधा लिख दूंगा दोस आइसोमर तो सेम है, वो तो है ही है, तो डिफरेंट क्या वो चीज लिख दीजिए, और डिफरेंट वही होता है जो वर्ड में लिखा होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो लिखेंगे दो, लिखो मेरे साथ साथ those isomers which are different in structural form, ठीक है, ऐसे आइसोमर जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर अलग अलग आएंगे। अब स्ट्रक्चर कितने तरीके से अलग हो सकता है ये अलग बात है, ठीक है। जैसे आप में से कोई कह सकता है मेरे को बहुत अच्छा डांस, आप डांस में भी बहुत तरह के होते हैं, तो इस तरह से यहां पे भी स्ट्रक्चर बहुत तरीके से चेंज किया जा सकता है, तो वो अपन को इसके अंदर वापस। तो अब हम इसके आगे लिखिए, पहले तो आपकी डेफिनेशन हो गई, इस पार्ट को छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये अलग यूनिट में जाएगा। अभी अपन सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर शॉर्ट में याद रख लीजिए, जब एग्जाम में आपको डेफिनेशन बनानी हो तो उसमें सीधा कह दीजिए दोज आइसोमर, और जो वर्ड लिखा हुआ उसको डिफरेंट बोल दीजिए, तो दोज आइसोमर जैसे ही कहेंगे तो ये दोनों वर्ड उसमें आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मोलर मास। और उसके बाद दोज आइसोमर विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता हो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। नोट कर लिया? यस, एक दो बच्चे कमेंट में यस करते रहो, यस एक दो बच्चे यस करो, डेफिनेशन हो गई, जल्दी करो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, डेफिनेशन ओवर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबने लिख दिया, जल्दी फास्ट टाइप करो बच्चों, हाँ कमेंट बॉक्स में लिख दो, एक दो बच्चे है, यस गुड वेरी गुड, यस ठीक है, डेफिनेशन तक हो गया। अब मैं इसको आगे वापस लिखो, तो अब अपन ये तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन, अब अपन स्ट्रक्चरल में कितने तरीके के आइस, उसका अपने टाइप लिखो, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वेरी गुड, यस करने वाले, अलर्ट गुड, बहुत बढ़िया, यस। तो आगे लिखो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब अपन सिर्फ इंडिविजुअल इसी का टाइप ऑफ, अगला लिखो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
बच्चों आगे हेडिंग लिखिए, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, टाइप ऑफ। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इसी के अंदर, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने तरीके से हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों क्लासिफिकेशन लिखो इसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो टाइप्स हो सकती है वो इस तरह से क्लासिफाई करिए मेरे साथ साथ लिखते जाओ। नंबर वन पे लिखो बच्चों चेन आइसोमर, सबसे पहले लिखो चेन आइसोमर, एक चेन आइसोमर फॉर्म हो सकती है। सेकंड लिखिए बच्चों इसके अंदर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर के बाद में थर्ड में लिखो फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, एक बार रिपीट करूंगा मैं ये, फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद में लिखो बच्चों फंक्शनल के बाद में मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, और उसके बाद में लिखिए बच्चों मेटामेरिज्म के बाद में लिखो फिफ्थ पे, और वो होगा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, और लास्ट सिक्स नंबर पे लिखिए रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। अब मेरे साथ साथ एक बार आपने जो क्लासिफिकेशन लिखा है इसको टैली कर लीजिए, आंसर टैली कर लीजिए बच्चों। यस, सबसे पहला आपने देखो वापस टैली करो आपके क्लासिफिकेशन में आपने क्या लिखा, ये क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेर, यानी कि आपको इनके ऊपर एटलीस्ट वन वन एग्जांपल और इनकी डेफिनेशन, जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन और डिस्कस द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो ये पहले ये डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देंगे जो आपने लिखी है, और उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन लिखेंगे या टाइप कह रहे थे इसको, टाइप लिख देंगे। टाइप लिखने के बाद हरेक की डेफिनेशन और हरेक का एक एक एग्जांपल उस नोट्स में होना चाहिए, यानी कि जो आपका आंसर है उसमें। समझ में आ गया यहां तक, एक दो बच्चे यस करो बेटा, हाँ साइड में कमेंट में यस करते हो, मेरे को ध्यान रहेगा मेरी आवाज प्रॉप, गुड वेरी गुड, यस बच्चों। तो ये आपका अगर क्वेश्चन आएगा डिस्कस, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता फोर मार्क्स का, ठीक है, जिसमें ध्यान रखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें चेन आइसोमर वापस टैली कर लो आपने जो लिखा है, एकदम सही लिखना है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, और उसके बाद में है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, गुड। ठीक है बच्चों, लिख दिया यहां तक, अब मैं इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने नोट कर लिया है। अब बच्चों मैं इसमें से वन बाय वन आपको एक डेफिनेशन और उसके साथ सुटेबल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यस। तो यहां से अपन क्लासिफिकेशन हटा रहे हैं टाइप्स को, अब इसमें से वापस री हेडिंग लिखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर। बच्चों डेफिनेशन में बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्ड लिखा होता है बस उस वर्ड को डिफरेंट बोल दीजिए, वो अपने आप ही डेफिनेशन बन जाएगी। और उससे पहले बेटा आप हमेशा क्या बोलेंगे, दोज आइसोमर, ये वर्ड पक्का रख लीजिए कि जब कभी भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों तो उसके अंदर दोज आइसोमर, दोज आइसोमर, ये वर्ड परमानेंट। अब जैसे मान लो सपोज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चेन आइसोमर, तो आपके दिमाग में क्या आया, चेन, तो क्या वर्ड लिखोगे, डिफरेंट इन चेन, और आइसोमर वर्ड आपने बोल दिया तो इसका मतलब उसके अंदर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मोलर मास सेम आ ही गया, ये डेफिनेशन हो गई, बहुत इजी, यस। तो अब देखिए इसके अंदर बच्चों, तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसो, इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, रिटन एग्जाम में चेन आइसोमर्स, यस। अब देखिए बच्चों चेन आइसोमर को कैसे डिफाइन करें, तो सिंपल सा जो हेडिंग लिखा हुआ है उसको डिफरेंट बोल दीजिए, तो यहां पे लिखो दोज आइसोमर, आइसोमर्स विच आर डिफरेंट इन, विच आर डिफरेंट इन चेन, those isomer which are different in chain, जो chain में different होने हैं उनको chain isomers बोलेंगे। अब ये कितनी तरीके के होंगे बच्चों, ठीक है, yes, देखिए students, yes, ठीक है, yes, देखिए बच्चों those isomer which are different in
चेन हो गया। यहां तक आ गए सब लोग। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मोस्टली अगर अपन कॉमन नॉमिनिक्लेचर देखें बच्चों, तो उसके अंदर हमेशा आपको बच्चों चेन आइसोमर में तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, नॉन कॉमन, बाकी तो आईयूपीएसी नाम होंगे। तो चेन आइसोमर के अंदर बेसिकली जो आपको इसमें लिखना है वो थ्री पार्ट्स होते हैं। जब भी कोई चेन स्ट्रेट होती है, कोई भी चेन स्ट्रेट होती है वो कितने भी कार्बन की हो, उसको नॉर्मल चेन कहा जाता है। नॉर्मल चेन के लिए हमेशा स्मॉल एन वर्ड, जैसे आपने नाम सुना हो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, तो ये एन वर्ड क्या इंडिकेट करता बच्चों, एन वर्ड क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर नॉर्मल है, कोई ब्रांच नहीं होती। तो चेन में एक डेजिग्नेशन होता है नॉर्मल चेन। अब अगर उसमें एक ब्रांच आ जाती है बच्चों, तो एक ब्रांच को बोलते हैं आइसो। तो आइसो का मतलब होता है वन ब्रांच, लिखिए वन ब्रांच एट सेकेंड कार्बन, वन ब्रांच एट सेकेंड कार्बन किसी भी साइड से। जैसे बच्चों आपके पास में ये कोई कार्बन चेन है, ठीक है, इस कार्बन चेन में अगर मैं सेकेंड, चाहे इस टर्मिनल से सेकेंड हो, बस ये ध्यान रखना है कि वो सेकेंड होना चाहिए, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नहीं, इन जनरल किसी भी टर्मिनल से अगर बच्चों सेकेंड कार्बन पे ब्रांच हो, सेकेंड कार्बन पे ब्रांच हो, तो उसको आइसो से करेंगे, क्या लिखेंगे आइसो, और फिर जितने टोटल कार्बन होंगे इंक्लूडिंग ब्रांच, उसका रूट वर्ड आईयूपीएसी के अंदर जो होता है वो ही लिखना है। जैसे टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद में एक ये ब्रांच में भी है, तो टोटल कितने हुए 5 और 6, तो टोटल 6 हुए। तो आईयूपीएसी तो क्या होती है कि रूट वर्ड को अलग मानती है, सबट्वेंट को अलग मानती है, कॉमन सिस्टम ऐसे नहीं करता। कॉमन सिस्टम कह रहा अगर ब्रांच में भी है तो भी आप टोटल ही लिखिए उसके अंदर बच्चों, टोटल, तो इसीलिए टोटल कंसीडर, तो ये आपका आइसो हेक्सेन हो जाएगा, आइसो हेक्सेन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वन ब्रांच जब भी होगा तो उसको बोलेंगे आइसो वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से चेन में जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं बच्चों नियो, क्या बोलेंगे नियो, नियो का मतलब होता है टू ब्रांच, नियो का मतलब होगा, तो ब्रैकेट में लिखो इसके अंदर टू ब्रांच, टू ब्रांच एट सेकेंड कार्बन, ये कंपल्सरी कंडीशन है बच्चों, कहीं भी नहीं हो सकती, सेकेंड कार्बन चाहे किसी भी टर्मिनल से आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नहीं, टर्मिनल लास्ट उसके सेकेंड कार्बन में, इसके अलावा कहीं पे है तो फिर आप कभी भी ये नॉर्मल वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर आईयूपीएसी लिखी जाएगी। इसीलिए अगर क्योंकि कॉमन सिस्टम होता है नॉर्मल आइसो नियो, इसीलिए कॉमन सिस्टम में अपन को आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि किसी भी टर्मिनल से वो कार्बन बच्चों सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, यस। तो आप देखो बच्चों टू ब्रांच एट सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन ध्यान रखना है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं नीचे बच्चों, आपको वैलेंसी पे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है, और वैलेंसी में ऐसा एज्यूम कर लेना है कि जब भी जरूरत होगी हम हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे, बस आपको सिर्फ अपना मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो अब देखो ये कोई स्ट्रेट चेन आपके पास में है, अब मेरे को मान लीजिए बच्चों इसको नियो बनाना है, तो नियो बनाने के लिए बच्चों, नियो बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अंदर जैसे इस टर्मिनल से आपका सेकेंड कार्बन ये है, तो या तो इस पे दो ब्रांच हो, और या फिर उस कार्बन पे अगर आप उधर से टर्मिनल वो है, या उस कार्बन पे आपकी दो ब्रांच होनी चाहिए। तो इसीलिए जैसे मान लो मैंने इस पे ये दो ब्रांच प्लेस कर दी बच्चों, तो ये आपका, अब अपन कह सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नियो है, नियो है, तो नियो में दो ब्रांच, आइसो में एक ब्रांच, नॉर्मल में नो ब्रांच, तो क्लियर हुआ, यस बच्चों। ये चेन में कितने पार्ट कंसीडर होंगे, थ्री, नॉर्मल मींस स्ट्रेट चेन नो ब्रांच, आइसो मींस वन ब्रांच, और उसके बाद में कौन सा बच्चों, नियो मींस टू ब्रांच। ब्रांच जो भी होगी वो किसी भी टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है कि अगर हम जब भी चेन आइसोमर पढ़ें तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तो डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद तीन मेज, और इसके बाद अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका सिर्फ आईयूपीएसी लिखा जा सकता है, कि कॉमन सिस्टम का इसके बाद कोई रोल नहीं है,
ठीक है, लेकिन मोस्टली फेमस यही है, इसीलिए इसी में से पूछा जाता है। तो आपके तीन पार्ट हो गए। अब मैं इसका एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक, किस तरह से आप टोटल आइसोमर चेन आई, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसके टोटल चेन आइसोमर बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे, उसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। ये तो जनरल कंसेप्ट हो गया, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चेन में देखिए जनरल कंसेप्ट आपका कैसा होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होगा बच्चों, वो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्पेशली जैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखिए किस तरह से होगा। आपको ये कहेंगे बच्चों C4H10, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने चेन आइसोमर बनेंगे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एग्जाम में कभी फास्ट कैलकुलेट करना हो चेन आइसोमर, तो इसमें एक ट्रिक है। सबसे पहले जितने कार्बन है, ध्यान से देख लो, सबसे पहले बच्चों जितने कार्बन है, कितने कार्बन है, यस कमेंट बॉक्स में टाइप करो बच्चों। अभी जो आपको मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिया, इसमें कितने कार्बन है, कोई भी एक दो बच्चे कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को ध्यान दे प्रॉपर आवाज आ रही है आप तक। यस, हाउ मेनी कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलिए एक दो बच्चे जल्दी से। फोर, वेरी गुड, फोर। तो ये बच्चों फोर कार्बन हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले, गुड, वेरी गुड, तो अब इसमें फोर कार्बन जो है बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना आपको, ये फोर कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लो। अभी आप ये मत सोचो कितने आइसोमर बनेंगे, ये आपका टेंशन है ही नहीं। सबसे पहले, हाँ फोर, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये सबसे पहले बच्चों ऐसे स्ट्रेट चेन ले। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आइसोमर बनेंगे यानी चेन कितने बनेंगे। तो इसमें एक मैंने मेथड लगा रखा जो बुक में नहीं होगा आपका, इसमें लिखना है लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम का मतलब होता है बच्चों टर्मिनल को लॉक कर दो। लॉक का मतलब यहाँ पे लॉकडाउन टाइप नहीं, सिर्फ ऐसे कट कर दिए। कट का मतलब इन पे कोई ब्रांच नहीं लाने, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच लाने का मतलब यार टाइम वेस्टिंग, वो कोई आइसोमर नहीं होता। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो कोई बच्चा ये सोचता है कि सर मेरे पास में थ्री कार्बन है, ठीक है, अब मैं मान लीजिए इस कार्बन को यहाँ ले आऊंगा तो ब्रांच बन जाएगी ना। देखो बच्चों इसका आईयूपीएसी लिख के देखो, आप दोनों सेम है, इसको भी आप एन प्रोपेन बोलेंगे, अब ये भी लॉन्गेस्ट चेन जाएगी, ये भी तो प्रोपेन ही हुआ ना, तो फर्क कहाँ आया। इसीलिए टर्मिनल पे कोई भी ब्रांच लगाना ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा कोई आइसोमर नहीं होता। इसीलिए टर्मिनल को मत छेड़िए, टर्मिनल को लॉक कर दीजिए। टर्मिनल के अलावा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मेरी आवाज आ रही है बच्चों, कमेंट बॉक्स में यस करो। अब मैं जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिक ध्यान रखोगे तो चेन आइसोमर कभी गलत नहीं होगा आपका। यस करिए एक दो बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आवाज मिल रही बच्चों मेरी। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जितने भी कार्बन एग्जाम में दे रखे हो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाइए। और स्ट्रेट चेन बनाने के बाद बच्चों लास्ट, इधर का लास्ट उधर का लास्ट, जिसको अपन टर्मिनल बोलते हैं, उस टर्मिनल को लॉक कर दीजिए। पहला काम लॉक करने का काम सबसे पहले करिए। इसके बाद मिनिमम अगर दो कार्बन बचते हैं बीच में तो ही उसके आइसोमर बनना स्टार्ट होंगे, नहीं तो कभी आइसोमर नहीं होंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इसका आइसोमर है या नहीं। तो बच्चों देखिए, जैसे ये आपने लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन तो बाद में कभी भी प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन इज नॉट प्रॉब्लम। ये जैसे एक बन गया, अब ये कार्बन एक दूसरे की ब्रांच हो सकता है, तो बाकी को तो इसको इसकी ब्रांच बना दो, तो ये कार्बन ऐसे आ जाएगा। और लॉक सिस्टम बच्चों आपको ऐसे ही रखना है, ये लॉक सिस्टम वापस से, ठीक है, इन्हें की टर्मिनल पे नहीं लाना, टर्मिनल पे लाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। कैसे कि जैसे देखो इसको टर्मिनल पे लाओ, यहां लाओगे तो स्ट्रेट चेन हो जाएगी वापस। भाई आप सीधे खड़े हो तो बोले मेरा नाम क्या है, आप ऐसे खड़े हो बोले अब मेरा नाम क्या है, तो आपका नाम तो वही रहेगा, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे टर्मिनल पे कुछ भी लाना मतलब उससे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता बच्चों, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ये दोनों जो चीजें है, तो इसको तो क्या बोलोगे, एन ब्यूटेन, क्योंकि फोर का नॉर्मल है। अब इसमें देखो सेकंड कार्बन है कहीं से भी, तो ये एक ब्रांच, कमेंट बॉक्स में लिखो एक ब्रांच होता तो क्या बोलते हैं, लिखिए बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इफ वन ब्रांच एट सेकंड कार्बन इज नोन एज, छोटा सा टर्म बताया था मैंने आपको अभी, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, वेरी गुड आइसो, यस गुड, बहुत सारे बच्चे काफी अलर्ट है, गुड आइसो, बिल्कुल ठीक है आइसो। और टोटल, क्योंकि कॉमन सिस्टम है बच्चों तो उसके लिए नॉर्मल यूज होगा, तो इसके आगे लिख देंगे आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों
टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आए आपके हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने, देखो दो ही तो बड़े, एक नॉर्मल और एक आइसो, तो टोटल कितना आया बच्चों, तो आंसर राइट होगा टू चेन आइसोमर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है पार्थिव, टू चेन आइस, कुछ कुछ नाम मेरे को दिख रहे हैं इसमें, यस सुमन ठीक है, चेन आइसोमर, तो ये टू चेन आइस काफी सारे बच्चों के आए, गुड ठीक है, सबके नाम है ओके। तो ये हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल और लेके फिर अपन अगले वाले चेन से आगे चलते हैं पोजीशन के अंदर। यस एक एग्जांपल और बच्चों, फटाफट आप भी सोचना, कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे साथ साथ ठीक, कितने बन सकते हैं, जैसे इसका अगला मेंबर ले, दो मेंबर कम से कम आप एग्जाम में लिखेंगे, दो दो एग्जांपल तो कम से कम लिखिएगा बच्चों। ये जैसे C5H12 मोस्टली एल्केन के एग्जांपल ज्यादा फेमस है, इसके अंदर और भी हो सकते हैं लेकिन एल्केन इज द बेटर एक्सप्लेनेशन। यस C5H12 कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है बच्चों, कितने चेन आइसोमर बनेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यस फास्ट बच्चों, जल्दी जल्दी लिखिएगा स्टूडेंट्स। यस हाउ मेनी चेन आइसोमर ऑफ, क्वेश्चन इज हाउ मेनी चेन आइसोमर ऑफ C5H12 के टोटल कितने बनेंगे। यस थ्री, कुछ बच्चों का थ्री आंसर आ रहा है, और जल्दी टाइप करो बच्चों, थ्री कुछ बच्चों के थ्री आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों के थ्री, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, और कोई थ्री फोर फाइव कहना चाहे, कुछ बच्चों ने थ्री कहा, जल्दी करिए करिए अब। यस एनीवन वन टू गिव आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए आपका आंसर मैच होता है या नहीं, जल्दी करिए, कुछ बच्चों ने थ्री आंसर दिया, और कोई बच्चा कहना चाहे, सब थ्री कहना चाह रहे, वेरी गुड यार ओके। शिवराज सिंह और कौन, भारती सुधा राजेश्वर यस सुरेश यस, जल्दी करिए, और कोई बच्चा, जसवंत कितने बनेंगे, प्रेजेंट तो है वो ठीक है ओके। हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स, यस बच्चा आंसर देखिए, अब आपने आंसर मैच किया होगा। यस तो सबसे पहले मैंने कहा था कुछ भी नहीं सोचना, स्ट्रेट चेन बनाने का काम सबसे पहले करना है बच्चों, तो ये आपके पास में ये स्ट्रेट चेन बन गई, स्ट्रेट चेन अपने आप में वन आइसोमर होता है। अब देखो मैंने कहा था लॉक द टर्मिनल, तो सबसे पहले टर्मिनल को लॉक करिए, उसके बाद में अब देखो इस कोई भी एक कार्बन को पहले इस पे ब्रांच बना दीजिए, तो ये कार्बन इसकी ब्रांच बन गई, लॉक सिस्टम आपका वही रहेगा, ये वन ब्रांच आ गई, तो ये आइसोमर, सेकंड आइसोमर बन गया। अब देखो बच्चों, आप में से कोई बच्चा ये सोच सकता है कि ये ब्रांच अगर यहां चली जाए तो जैसे शिफ्टिंग हो सकती है ना, लेकिन ध्यान रखिए आईयूपीएसी अकॉर्डिंग टू मिथाइल, उधर से आओगे तो भी टू मिथाइल ही होगा, इसीलिए इसको शिफ्ट करने का आपको अलग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सो नो यूज अलग से कोई आइसोमर। हाँ ये हो सकता है कि ये कार्बन जो है वो इसकी ब्रांच बन जाए तो आपको एक अलग स्ट्रक्चर मिल सकता है, तो इसमें जब आप, तो इस कार्बन पे दो ब्रांच आना, बाकी लॉक सिस्टम तो आपका वही रहेगा बच्चों, तो ये आप देखिए, तो ये आपके दो हो गए, तो ये थर्ड बन गया जिसको नियो बोलेंगे, नॉर्मल आइसो और नियो, तो ये बिल्कुल सही आंसर था थ्री, ठीक है बच्चों, टोटल कितने, बिल्कुल सही आंसर था, टोटल कितने बनेंगे, थ्री आइसोमर्स बने, कौन सा, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। फिर आप जब भी फुर्सत में हो हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए वैलेंसी के अकॉर्डिंग, क्लियर ठीक है, तो ये आपका, यस बच्चों चेन आइसोमर क्लियर हो गया आपका ओके, कैन आई प्रोसीड। अब मैं पोजीशन पे जा रहा हूं, ये चेन की कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने ठीक है, यस ओके, तो ये आपका चेन आइसोमर। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पोज, लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स, नेक्स्ट लिखिए इसी के अंदर पोजीशन आइसोमर लिखिए बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स, यस तो सेकंड हेडिंग आप इसमें लिखो पोजीशन आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। डेफिनेशन बढ़ाओ साथ साथ में, नोट्स में डेफिनेशन बनाइए, डेफिनेशन में लिखेंगे पोजीशन आइसोमर में वही जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्री बता रखी है, दोज आइसोमर, क्योंकि ये वर्ड अगर आप लिख दे तो आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मोलर मास लिखने की जरूरत नहीं है। यस तो ये देखिए बच्चों, दोज आइसोमर विच आर डिफरेंट इन पोजिशन, इन पोजीशन लिख दिया यहां तक, डिफरेंट इन पोजीशन, यानी कि जो हेडिंग लिखा हुआ होता है
उस हेडिंग को बच्चों डिफरेंट बता दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपकी डिफरेंट, तो दीज दोज आइसोमर विच आर डिफरेंट इन पोजीशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे जब भी कभी एग्जांपल दे बच्चों तो रटे नहीं एग्जांपल को, देखो पोजीशन किसकी चेंज हो सकती है ये अपन खुद सोचे। जैसे चेंज होता मोस्टली कार्बन का ही हो सकता है, इसीलिए उसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन का कोई एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या पोजीशन, अब आप सोचो आपने पूरी आईयूपीएससी पढ़ी है, पोजीशन किसकी चेंज हो सकती है? यस, पोजीशन किसकी चेंज हो सकती है भाई? पोजीशन सप्लीमेंट की चेंज हो सकती है, पोजीशन मेन फंक्शनल ग्रुप की, वो भी विदाउट कार्बन, क्योंकि जिसका जो कार्बन कंटेनिंग होता है वो तो हमेशा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, इसीलिए कार्बन कंटेनिंग की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखिए, लिखो पोजीशन किस किस की चेंज, ताकि जब एग्जांपल दो तो आप कोई भी ऐसा एग्जांपल दीजिए जो इसमें सुटेबल होना चाहिए, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा आता है गिव द सुटेबल एग्जांपल, इसका सुटेबल एग्जांपल दीजिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सुटेबल पोजीशन में हमेशा याद रखिए बच्चों, पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज होती है, पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की चेंज होती है, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स की चेंज होती है, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझिए आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो जो टेबल वन अपन ने कहा था, और पोजीशन चेंज होती है विदाउट सी मेन फंक्शनल ग्रुप, विदाउट सी एमएफजी का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे सल्फोनिक एसिड, जैसे ओएच, जैसे अमाइन, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहां पे, ये इनकी पोजीशन चेंज होती। कार्य एक बात पक्की ध्यान रखना बच्चों, ऐसा एग्जांपल कभी मत देना जैसे मान लीजिए आपने वो COH दे दिया और आपसे ये पूछे कि बताओ इसके कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे। बच्चों कार्बन कंटेनिंग में कभी पोजीशन चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है कि IUPAC के अकॉर्डिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को हमेशा वन नंबर मिलेगा, चाहे वो चेन में कहीं पे भी प्रेजेंट हो, इसीलिए कार्बन कंटेनिंग की पोजीशन कभी चेंज मत करें, होती नहीं है, चाहे वो स्ट्रक्चर में कहीं भी आ जाए, इसीलिए कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल, मेरी बात पे ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप का कभी भी पोजीशन आइसोमर, हाँ चेन बन सकता है वो तो अपन लॉक करके फिर ब्रांच देख लेंगे, लेकिन पोजीशन आइसोमर में आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो नीचे में लिख देना नोट के अंदर, सी कंटेन यानी कि कार्बन कंटेन, सी कंटेन जो आइसोमर्स होते हैं बच्चों वो हमेशा जीरो शो करते हैं। तो किसकी पोजीशन चेंज होती है? डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरो क्लोरो नाइट्रो की पोजीशन चेंज होती है, और विदाउट सी जैसे OH, वो तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही है एक तरह से। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल तीनों का बता देता हूं बच्चों। तो देखिए अगर आपको कोई भी एग्जांपल देना हो तो पहले तो ये लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसमें ये बताएंगे आप एग्जाम के अंदर कि किस किस में पोजीशन चेंज हो सकती है। अब आप लिखिए इसके आगे बच्चों कि इसका एग्जांपल, जैसे पहला जो है सी डबल बॉन्ड सी की पोजीशन कैसे चेंज करें, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से बच्चों एक स्ट्रक्चर ले लीजिए और उसमें वन नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो अभी आपकी पोजीशन कितने पे है? वन पे। अब ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करो, यस यहां पे शिफ्ट करो नेक्स्ट पे, तो यहां आ जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों कि दूसरी साइड से उसको सेम पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो नया स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। तो देखो यहां से कितने पे आ रहा डबल बॉन्ड? वन पे। इधर से चलेंगे तो अब डबल बॉन्ड मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो कितने पे हो गया? टू पे। अब यहां से वापस अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचता है कि सर अगर मैं इसको एक और आगे शिफ्ट कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा बच्चों। देखिए इससे देखो यहां से वापस पोजीशन टू आ गई है उस साइड से, तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जब तक किसी का आईयूपीएससी नाम डिफरेंट नहीं आएगा तब तक वो कभी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकता। ये पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं चाहे वो चेन पोजीशन फंक्शनल, उसका आईयूपीएससी नाम हमेशा डिफरेंट आएगा बच्चों, तभी आपको ये अच्छा आंसर मिलेगा।
ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, कभी भी तो इसीलिए सेम वाला पार्ट, इसीलिए इसका कंसीडरेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें उधर से पोजीशन टू आ गई, तो इसको मैं हटा दूं। तो कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, इस स्ट्रक्चर में टोटल कितना इसोमर आए, दो, पोजीशन वन एंड पोजीशन टू। तो ये अब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी आंसर तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट का। यस, सब्स्टिट्यूएंट में देखिए, जैसे आपको कोई इस तरह का स्ट्रक्चर चेन दिया बच्चों और आपके पास में ये लिख के दे दिया कि आपकी ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट बच्चों अभी कितने पे आ रहा है, वन पे, ठीक है, वन पे आ रहा। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी यहां से हटा दूं मैं इसको, और अगर मैं यहाँ पे ब्रोमो लिख देता हूं तो कितने पे आ गया, टू पे। यहाँ पे लिख के देखें एक बार, ये देखो यहाँ पे अगर ब्रोमो कर देता हूं तो थ्री पे, पोजीशन चेंज हो रही है आपकी, देखो कंटिन्यू, वन टू थ्री, ब्रोमो शिफ्ट होता जा रहा है, पहले ब्रोमो वन पे था, अब टू पे था, फिर थ्री पे। अब देखो मैं इसको ब्रोमो को अगर आगे और शिफ्ट करता हूं, क्या पॉसिबल है, कमेंट सेक्शन बताओ, इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या एक और बन सकता है या तीन ही रहेंगे आंसर बच्चों, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यस, फास्ट, नहीं, वेरी गुड, क्योंकि इसके बाद यहां से आपका फोर पे क्या उधर से पोजीशन टू हो जाएगी, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपके पास में थ्री आंसर्स आएंगे बच्चों, तो बिल्कुल परफेक्ट जवाब है आपका, थ्री से ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि इधर से वापस टू हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हो गया। अब अच्छा, इसमें बच्चों ये विदाउट वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सप्लीमेंट की तरह ही होता है। जैसे मान लो मैं आपको इस जगह पे एक एग्जांपल साइड में लिख रहा हूं इसका, विदाउट सी मेन फंक्शनल ग्रुप्स का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये एल्कोहल है बच्चों, है ना, ये चेन ली, इस चेन में आपने OH, ये सप्लीमेंट की तरह ही, मैं ब्रोमो लिखूं चाहे OH लिखूं, क्योंकि शिफ्टिंग वैसे ही होगी। जैसे अभी OH आपका कितने पे आ रहा, वन पे आ रहा ना बच्चों, ठीक है। अब यहां से देख लो, नंबरिंग कर दो पहले, अब ये OH अगर यहां आ जाता तो टू पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो थ्री पे आ जाएगा, और यहां से आगे जाओ इधर से टू हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ये देखिए टोटल पोजीशन आइसोमर इसके भी कितने आएंगे, थ्री। तो इसीलिए पोजीशन में बहुत इजी है बच्चों, चेन एज इट इज रखनी है, सिर्फ आपका जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, मेन फंक्शनल ग्रुप विदाउट सी, बार बार मैं कह रहा हूं विदाउट सी, विद वाले की पोजीशन वन ही रहती, चाहे वो कहीं भी रहे दुनिया में, क्योंकि जो विध वाले होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, और कार्बन कंटेनिंग मींस वन पोजीशन, इसीलिए उनकी पोजीशन आइसोमर हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। तो याद है बच्चों, यस, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ मेरे को कंप्लीट नोट्स चाहिए बच्चों, टिल लेक्चर एंड तक का कंप्लीट, आधे नहीं भेजने हैं, ध्यान रखिएगा सारे लास्ट तक, टिल एंड तक बच्चों, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमर नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट हो गया, हाँ, वॉच करते रहो, सब बच्चों को बोल दीजिए वॉच करते हुए, लास्ट तक के नोट्स चाहिएंगे, ध्यान रखना। यस, सारे बनाइए बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये पोजीशन हो गया बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए बच्चों, ये आपके मेन एग्जाम में काम आएंगे। यस, रेडी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा बताया था बच्चों मैंने, यस बच्चों देखिए, थर्ड वन आपका मैंने बताया था कौन सा, फंक्शनल, वेरी इजी यार, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये बच्चों फंक्शनल आइसोमर, देखो नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, नाम क्या है, फंक्शनल, तो इसका मतलब हुआ बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स। यस, तो इसमें देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट लिखो फंक्शनल, तो डेफिनेशन जब पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, दोस आइसोमर, डेफिनेशन लिख दीजिए, those isomers which are different in function, functional group, group लिख दीजिए साथ में, functional group बच्चों, those isomers which are different in functional groups। अब आपके पास बिल्कुल इजी हो जाएगा, यानी कि आपको जो मेन मेहनत करनी है स्टूडेंट्स वो दो चीज पे करनी है बच्चों, वो सिर्फ चेन और पोजीशन पे, चेन और पोजीशन पे, बस। इसके आगे तो बहुत इजी, क्योंकि बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स ही है, इसलिए इसके आगे टेंशन है ही नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिमिटेड एग्जांपल है बिल्कुल, बस आपको जो मेन जो प्रैक्टिस करनी है वो चेन और पोजीशन। यस बच्चों, मेरी बात समझ आई, कमेंट बॉक्स में यस करिए जल्दी से, आगे बढ़ू मैं बच्चों, कैन यू प्रोसीड नाउ, डेफिनेशन लिख दिया आपने, यस करो बच्चों, जिन बच्चों ने डेफिनेशन लिख दी हो, वेरी गुड, यस गुड,
नाम दिख रहे हैं मेरे को सर, यस गुड ओके स्ट्रक्चर फंक्शनलाइजेशन। बच्चों फंक्शनल कौन कौन चेंज हो सकता है ये पक्का ध्यान रख लीजिए, कोई नेम में उठा के पूछ ले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में चेंज हो सकता है, वो फिक्स होते हैं बच्चों, चाहे आंधी तूफान सुनामी आ जाए तो भी आंसर यही रहेगा। देखिए इसमें जैसे आपके पास में COOH है तो याद रखिएगा बच्चों COOH आपका सिर्फ ईस्टर में चेंज हो सकता है, तो एसिड कैन बी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो एसिड कार्बो ऑक्सैलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बच्चों, ये याद रखना है। इसी तरह से साइनाइड आइसोसाइनाइड में चेंज हो सकता है, साइनाइड आइस। इसी तरह से एल्डिहाइड कीटोन में, बस बसरते उसे मिनिमम बच्चों 3 कार्बन होना चाहिए, तो ये आपका कीटोन में। बस एक लास्ट एक और याद रखेंगे बच्चों, मजा आ जाएगा, बस इतने ही आपके आइसोमर्स ईथर बन सकता है, बस इतनी सी बात याद रखेंगे बच्चों सारे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि फंक्शनल आइसोमर बनेगा या नहीं, तो आप ये देख लीजिए इनमें से कोई कपल या जोड़ी होनी चाहिए तो फंक्शनल आइसोमर बनेगा, क्योंकि नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा ही। मॉलिक्यूलर सेम आने के लिए एलिमेंट उस रेस्पेक्ट में होने चाहिए ना बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए ईस्टर है तो ईस्टर के पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन वाला और कौन है भाई, ऐसे ही तो है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने ये तो कहा स्टार्टिंग के अंदर कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आने के लिए बच्चों एलिमेंट आपस में मैच भी तो होने चाहिए। तो जैसे एसिड कैन बी ईस्टर, यस, क्योंकि दोनों 2 ऑक्सीजन वाली, पूरी लिस्ट देखी होगी आपने मेन फंक्शनल ग्रुप IUPAC के अंदर, तो जो जिससे मैच हो रहा है उसी में तो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो जैसे ये अल्कोहल ईथर है, ठीक है, इनमें 1 ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड कीटोन में 1-1 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, इसीलिए ये लोग आपस में इतने ही चेंज हो सकते हैं बच्चों। अब आप एक एग्जांपल इसमें से एग्जाम में बता दीजिए कि कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखो जैसे ये वाली अपन बात करें बच्चों, अगर आपको स्ट्रक्चर में ऐसा दे रखा हो CH3CH2COOH, अब पूछेगी ये कोई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, नंबरिंग चाहे 1, 2, 3, 4 ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, इस ब्यूटेनोइक एसिड का बच्चों फंक्शनल आइसोमर बन के बताइए। बहुत इजी यार, क्या करना, सिंपल सा आर ग्रुप, देखो ध्यान से COOH है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों। इसमें से एक जो CH2 है वो ऑक्सीजन के इस साइड में लाके इस हाइड्रोजन के साथ में ऐड कर दीजिए, तो CH2 यहां से आएगा, H वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो CH3 हो जाएगा, यानी कि नया स्ट्रक्चर जब अपन देखेंगे तो अब इस साइड में एक कार्बन कम लिखना है, तो COO, और इधर जो आपने शिफ्ट किया है आपका ये कौन सा आ गया बच्चों CH3। तो देखो अब आपको लग रहा है ये COOR, आर का मतलब मिथाइल, इथाइल मिनिमम हो जाए, तो ये देखो बच्चों अब इसमें क्या, बहुत इजी सा था यार, एक एसिड दे रखा है उसको ईस्टर बनाना है, और ईस्टर से एसिड लाने के लिए बैक कर दीजिए, उधर का CH2 इधर लिए उधर है छोड़ दीजिए पीछे, ठीक है, इजी, यस करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बच्चों, यू गॉट दिस एग्जांपल, कैन यू राइट एनी एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, यस बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो, यस जल्दी से, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक एग्जांपल ये तो है कि कौन कौन क्वालिफाई, कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके फंक्शनल में क्वालिफाई करेंगे, तो ये सारे क्वालिफाई करेंगे, और उसमें एक एक या दो एग्जांपल आप उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए, वेरी गुड बच्चों, वेरी ब्यूटीफुल, यस। तो ये आपका फंक्शनल, आगे बढ़े, फोर्थ कौन सा था जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, फोर्थ इसके अंदर बताओ बच्चों जल्दी से, फोर्थ टाइप कौन सी थी, कौन बताएगा जल्दी से बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फोर्थ टाइप जल्दी से बच्चों, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर, कौन सा था टर्म जल्दी बताइए, फोर्थ टाइप कौन सी बताई थी बच्चों मैंने, स्ट्रक्चर, वेरी गुड, मेटामेरिज्म, यस यस। तो इसमें देखिए बच्चों नेक्स्ट जो होगा उसको अपन बोलेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, बहुत इजी बच्चों, मैंने जैसे कहा था ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इतने लिमिटेड एग्जांपल्स हो जाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन में बिल्कुल एक लाइन में खत्म, और फिर सुटेबल एग्जांपल, इसीलिए मैंने कहा था आपको सिर्फ पोजीशन और चेन पे मेहनत करनी है कि उसके अंदर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन आगे सिर्फ लिमिटेड जो मैंने बताए बस इन्हीं में से कोई एग्जांपल हो तो होगा, ठीक है। जरा डेफिनेशन लिखिए बच्चों जल्दी से, मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट दोज आइज, वो तो नहीं है बच्चों आपको आगे वर्ड है ना, दोस आइसोमर्स विच आर डिफरेंट इन, बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल ग्रुप का मतलब अपन पूरे एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आर से। और आपने आईयूपीएसी में बहुत सारे आर सीखे हैं बच्चों, एल्काइल ग्रुप। यस, आर कौन कौन से होते हैं बच्चों, मिथाइल, इथाइल, एंड प्रोपाइल, कोई भी आर, मतलब एल्काइल, एल्केन में से एक एच कम करके आप कोई भी आप एल्काइल ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चों। तो ये इसमें आपका एल्काइल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये एल्काइल ग्रुप अलग कैसे पता लगेंगे, बहुत इजी। पहले तो कौन से फंक्शनल ग्रुप में ये क्वालिफाई करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इसका पहला लेटर क्या लिखा कमेंट बॉक्स में बताओ, इस स्पेलिंग का पहला लेटर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए। मेटा में अभी देखो ट्रिक सेट करता हूं और ट्रिक से आपको याद हो जाएगी। यस, कमेंट बॉक्स में लिखो इस स्पेलिंग का पहला लेटर, याद रखिए। यस, बोलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में, पहला लेटर एम। एम, यस, वेरी गुड एम। ये बच्चों बस ये एम अगर आपको याद है तो मेटाबॉलिज्म याद हो गया, सारी ट्रिक उसी के अंदर। सिर्फ इंपल्सा एम का मतलब होता है मल्टी बॉन्ड, एम का मतलब याद रख लीजिए। अगर मेटाबॉलिज्म आना है बच्चों तो इसमें एम का मीनिंग याद रख लीजिए, ट्रिक है ना, मल्टी बॉन्ड। मल्टी बॉन्ड का मतलब होता है, यहां मल्टी बॉन्ड का मतलब या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से नहीं है, मल्टी बॉन्ड का मतलब उसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कम से कम दो आर, दो डैश होने। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कौन से होंगे। जैसे अपने पास लिस्ट देखेंगे आप फंक्शनल ग्रुप की बच्चों, तो उस फंक्शनल ग्रुप में एक तो ईस्टर होता है, ईस्टर में इस साइड में भी आर आता है, इस साइड। देखो एल्काइल, इसीलिए अपन को ऐसे फंक्शनल ग्रुप लेने जिसमें आर ग्रुप डबल आना चाहिए। मल्टी का मतलब मिनिमम दो डैश उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में होने चाहिए। मल्टी वैकेंट बॉन्ड, ऐसे लिख दीजिए इसको, मल्टी आर बॉन्ड, ये आपके थोड़ा इजी रहेगा। मल्टी आर बॉन्ड, आर बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो ये ईस्टर है, लेकिन ईस्टर के दोनों साइड में आर का रेशियो अपन देख लेंगे, और बीच में कोई एक ऐसा एटम आना चाहिए जो अदर देन कार्बन, ताकि चेन टूटे तो डिफरेंट रेशियो माने जाए। एक तो ईस्टर क्वालिफाई करेगा। थोड़ा आगे चलोगे बच्चों तो आपको एनहाइड्राइड मिलेगा, एनहाइड्राइड में भी दो आर, तो मिनिमम दो आर होने चाहिए। फिर आप आगे बढ़ते जाइए, कीटोन दिखता ऐसा, लेकिन कीटोन में हो नहीं पाएगा बच्चों। इसका रीजन है नहीं होने का, क्योंकि कीटोन में क्या होता है कि ये कार्बन होता, ऑक्सीजन नहीं होती बीच में, इसीलिए कार्बन कंटिन्यू चेन हो जाती है, और जब कंटिन्यू चेन होता तो आईयूपीएसी में नंबरिंग एक जैसी हो जाती है। इसीलिए कीटोन कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों, आगे बढ़ो, ये आपका ईथर वगैरह, ठीक है, ईथर में आपको आराम से। इसके अलावा बच्चों नीचे स्टार बॉन्ड, ये तो मेन हीरो है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, क्योंकि जिनके पास एक से ज्यादा आर होते हैं वो डिफरेंट आर रेशियो शो कर सकते हैं। इसीलिए तीन तो पक्का याद रखो, मेन तीन हीरो होते हैं मेटामर के, कौन कौन से, ईस्टर, दूसरा एनहाइड्राइड और तीसरा ईथर। तीन तो ये याद रखिए बच्चों, एम फोर मल्टी आर बॉन्ड्स है ना, एम फोर मल्टी आर बॉन्ड्स वाले में होगा। दो स्टार बना के लिख दो, जैसे आपने अमाइन नाम सुना बच्चों, अमाइन डायरेक्टली तो नहीं होता कभी भी, क्योंकि उसके दूसरी साइड में आर नहीं होता, लेकिन चूंकि वहां से अगर अपन एच हटा के आर लिखते हैं तो क्वालिफाई करता है। ऐसे कैसे आपकी अमाइन फंक्शनल ग्रुप होती है NH2 वैसे तो खुद शो नहीं करता, लेकिन अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, एच हटा के आर प्लेस कर देते हैं किसी सेंटेसिस के अंदर, तो ये मेटामर। तो ये टिपिकल कंडीशन, नाम ऐसे लिखो बच्चों, इसके अंदर टिपिकल कंडीशंस मानी जाएगी, मतलब जनरल नहीं कह सकते इसको, टिपिकल कंडीशन में हम एच हटा के अगर अमाइड या अमाइन स्प्रे, देखो नाम से डबल है, अमाइड या अमाइन, ये टिपिकल केस होते हैं इमरजेंसी के, यानी एच हटा के अगर अपन आर लिखते हैं तो 100% ये शो करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक एग्जांपल देते हैं अपन, कुछ नहीं करना, बहुत इजी सा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2O और CH3। यस, बताओ बच्चों, टाइम बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल दिया बच्चों मैंने, कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। दिस एग्जांपल बिलोंग्स टू, यस दिस एग्जांपल इज बिलोंग्स टू विच फंक्शनल ग्रुप, जल्दी बताइए फास्ट। ईथर, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये यह आपका ईथर हो गया, आर ओ आर, आर की चेन डिफरेंट हो सकती है। तो अब देखो बच्चों, ये पूरा आर माना जाएगा और ये बीच में फंक्शनल ग्रुप आ गया और फंक्शनल ग्रुप के उस साइड में भी आर है। अब ये आर कितना रेशियो डिबल, एक एक कार्बन ऐसे मैथमेटिकली शिफ्ट करके देख लीजिए बच्चों, गुड वेरी गुड। तो इसमें शिफ्ट करके देख लीजिए कि जैसे यहां कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5,
इस साइड में 5 और जहां फंक्शनल ग्रुप है वहां पे लिख दो इस 2, उस साइड में कितने कार्बन है, एक ही है तो 1, तो ये रेशियो कितना आया 5:1, इनकी पेंटाइल और मिथाइल रेशियो। अब आप चेन टोटल वही रहनी चाहिए, टोटल का मतलब 6, टोटल कार्बन 6 है, कितने आर डिफरेंट हो सकते हैं दोनों साइड में, सेम नहीं आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, आप एक ऐसे मैथमेटिकली एक एच उधर एक सी उधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा 4:2, टोटल वही रहनी चाहिए, फिर क्या आ जाएगा 3:3 एक कार्बन, और नेक्स्ट लोगे तो वापस ऑलरेडी 2:4 है तो वो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, रिपीट हो जाएगा। डेली लाइव बच्चों, मोस्टली नाउ एंड ऑनवर्ड्स डेली लाइव बच्चों, ओके, तो इसीलिए ये आपके पास में 5:1, 4:2 और 3:3, बताइए टोटल कितने मेटामर्स बने बच्चों। ये तो बिल्कुल मैथमेटिकल पजल है यार, जितना रेशियो दे रखा उसके और कितने डिफरेंट रेशियो बन सकते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा, यस इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिकल पजल, नथिंग एल्स, ठीक है भाई। आपको कोई रेशियो दे रखा बस उस रेशियो के अंदर आपके, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल 3, एकदम परफेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स, यस, तो ये 3 इसमें आंसर हो गया बच्चों। तो आपको कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, बस एक स्ट्रक्चर दे रखा उसको ड्रॉ कर दीजिए, नीचे रेशियो बता दीजिए, देयर विल बी 3 मेटामर्स विद इन सेकंड, आंसर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, नथिंग एल्स, ठीक है, बिल्कुल इजीली आंसर खत्म हो जाएगा आपका। बस इसमें ये ध्यान रखना है टीपी मेन हीरो 3 है और 2 और जो है जिनको टिपिकल कंडीशंस के अंदर आर प्लेस करके हम बना सकते हैं। आपको फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना, बस उसके साइड में जो आर है वो कितना डिफरेंट ट्रांसफर करके कितने डिफरेंट रेशियो आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट इन एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट इन, बस 2 मिनट बच्चों, भी आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर खत्म होते ही आपकी यूनिट ओवर हो जाएगी, 2 मिनट देखिए, बहुत इजी सा। नेक्स्ट लीजिए, इसके बाद कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, मेटामेरिज्म ओवर बच्चों, मेटामेरिज्म ओवर हो गया बच्चों, नेक्स्ट बताइए मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट कौन सा है, वेरी गुड टॉटोमेरिज्म, यार क्या बात है, सब बच्चे एकदम अलर्ट है समय ना, चाय वाय पी रखी सब ने, ऐसा लग रहा है सब जगह में एकदम यार, बहुत बढ़िया से, यस टॉटो, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों टॉटोमेरिज्म, नेक्स्ट आपका कौन सा टॉटोमेरिज्म बच्चों, यस वेरी गुड, तो इसमें देखिए नेक्स्ट हमारे पास में हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म बच्चों, टॉटोमेरिज्म बहुत इजी, ये भी लेटिन टर्म है बच्चों, टॉटो का मतलब जैसे अपन ऐसे अगर टॉटो का मीनिंग निकालेंगे तो टॉटो का मतलब टू मूव, इंग्लिश में देखेंगे तो टू मूव, लेटिन टर्म्स में टू मूव को टॉटो बोलते हैं, ठीक है टॉटो, यस याद रह जाएगा। अब देखो बच्चा ये थोड़ा सा इंडियन लैंग्वेज में आके अगर समझेंगे तो और इजी समझ में आ जाएगा आपको, इसके अंदर देखो टॉटो का टी छुपा दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताओ पीछे क्या मीनिंग निकलता है इसका, टॉटो का टी छुपाओ पीछे क्या बचता, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों फास्ट, अरे जल्दी करो यार जल्दी खत्म करना बस, हाँ यस टोटो के टी छुपा दे तो पीछे क्या आएगा, ऑटो, वाह यस वेरी गुड, एकदम बहुत बढ़िया बच्चों, टोटो तो ऑटो हो गया ना इंडियन लैंग्वेज, ऑटो का मतलब टू मूव, समथिंग इज मूव, यस तो बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखने का तरीका टू मूव है, और थोड़ा सा इंडियन लैंग्वेज जाएंगे मतलब इंग्लिश टाइप भी थोड़ा सा ऐसे डिफाइन थोड़ा डिराइव करके देखे तो टी हटाओ ऑटो टाइप टू समथिंग इज मूविंग। अब बस सुटेबल एग्जाम्पल देख लीजिए यार, बहुत सिंपल सा है ये एग्जाम्पल, हमेशा मोस्टली कीटो इनॉल के लिए होता है, तो बच्चों कीटोन इसका एग्जाम्पल आप सबसे बेस्ट ले सकते हैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल कीटोन का, आपने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों एसीटोन, याद रखिएगा इस कंपाउंड को, वेरी फेमस, आपने आईयूपीएसी में भी सीखा एसीटोन, एसिड का मतलब 2 कार्बन, तो CH3 ये आपका एसीटोन है, इसको शॉर्ट में बच्चों कीटो बोलते, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो जब कीटोन ग्रुप होता तो उसको कीटो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बोलते, कीटो फॉर्म, कीटोन है इसीलिए कीटो फॉर्म, कीटोन का क्या मीनिंग होता है सी डबल बॉन्ड दोनों साइड में कार्बन बॉडीगार्ड्स, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो सी डबल बॉन्ड आपका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अल्फा है, जो भी फंक्शनल ग्रुप का पास का पड़ोसी कार्बन होता है वो हमेशा अल्फा कार्बन होगा, याद रखिए बच्चों अल्फा कार्बन होगा। अब इसमें यहां से आप एक एच को हटा करके
थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख दीजिए क्योंकि ये ऑटो बनाना है। तो ऑटो में कौन बैठ के जाता है, आज के बाद याद रखेंगे, ऑटो में कौन बैठ के जाता है, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखने का तरीका है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑटो में बैठेगा और किससे मिलने जाएगा, तो आंसर राइट होगा ऑक्सीजन। तो याद रखना बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे मूव कराना है, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड उस ऑटो के अपोजिट जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने आएगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना बच्चों, तो इसीलिए ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन, क्योंकि वहां से एक बॉन्ड कम होगा तो इधर एक बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जो है, तो सीधा सीधा यहाँ पे इतना सा सिंपल सी स्टाइल याद रखनी बच्चों, क्या याद रहेगा इस स्टाइल के अंदर, कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने जाएगा तो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या आंसर बनेगा इसका, तो CH3C, वहां पे कौन आ गया, O से मिलने के लिए, तो हाइड्रोजन कहेगा मैं पहुंच गया, तो इधर पाई बॉन्ड भी कह देगा मैं भी पहुंच गया, ठीक है। तो ये CH2 और ये आपका पाई बॉन्ड मूव होके यहाँ पे आ गया। देखो बच्चों ध्यान से, दोनों ने अपोजिट मूव कर दिया बच्चों एक दूसरे को। देखो यहाँ पे CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 है ना बच्चों, तो अब देखो इसमें, तो इसको क्या बोला आपने, कीटो फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स उधर वाले का क्या क्या बना, तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों ई, और OH का, यस कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ OH का सफिक्स क्या होता है, जल्दी बोलो IUPAC में बच्चों, IUPAC में OH का सफिक्स बोलो बच्चों, ऑल है ना, ऑल होता ना बच्चों, इसीलिए ऑल। तो दोनों को मिला के क्या बोलोगे, इनॉल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कीटो इनॉल फॉर्म, ठीक है, इज द एग्जांपल ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म। तो टॉटोमर का कोई भी अगर एग्जांपल आता है बच्चों, तो उसमें आप एसीटोन के एग्जांपल से अपना, और भी हो सकते हैं आप चेन में कार्बन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑल बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉटोमेर, तो इसमें क्या कहेंगे, तो टॉटोमेर से मतलब दोज आइसोमर इन विच, डेफिनेशन लिख दीजिए बस, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल के बाद खत्म हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। एक और है भी, यस, जिसको रिंग चेन है, इसके बाद यस, इसका डेफिनेशन लिखो जल्दी से बच्चों, यस नोट डाउन करिए, हाँ करो एक दो बच्चे, यस करो, आर यू रेडी टू राइट बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो, यस लिखिए, आर यू रेडी टू राइट, डेफिनेशन के लिए तैयार है आप लोग, लिखो दोज आइसोमर, यस वेरी गुड, दोज आइसोमर इन विच, दोज आइसोमर इन विच अल्फा हाइड्रोजन, दोज आइसोमर इन विच अल्फा हाइड्रोजन मूव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन मूव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड मूव टूवर्ड्स कार्बन कार्बन, टूवर्ड्स कार्बन कार्बन, दैट्स यूज कीटो इनॉल, दैट्स यूज कीटो इनॉल आइसोमर्स, फिनोमिनॉन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है। या लास्ट बच्चों, बिल्कुल आप एकदम एंड पे आ गए हैं, 6 नंबर, कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों, आप में से कोई बच्चा लास्ट कौन सा था बच्चों, जल्दी से, यस इसके बाद वाला लिख के बताओ बच्चों, रिंग चेन, वेरी गुड, ठीक है। तो लास्ट एक एग्जाम्पल और, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यस रिंग चेन, फटाफट देखो मेरे साथ साथ लर्न करिए। तो 6 नंबर पे अपन आ गए बच्चों, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर्स। नाम से ही पता लग रहा बच्चों, जब भी चेन की बात होती है इसका मतलब ओपन चेन कार्बन होगा, और रिंग में क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको ओपन चेन से साइक्लिक फॉर्म में या साइक्लिक से ओपन चेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे बच्चों, यानी कि रिंग चेन में कन्वर्ट हो, जैसे आपकी ये हैंड्स है, तो ये हैंड्स ऐसे रहेंगे तो टर्मिनल हो गया,
ओपन चेन, अगर इन हैंग्स को आपस में ज्वाइंट कर देता हूं बच्चों तो ये देखो रिंग फॉर्मेशन हो गई। तो आप अपने हैंग्स से भी समझ सकते हैं, इफ हैंग्स आर इन ओपन स्टेट दैट्स अ चेन आइसोमर, इफ दे ज्वाइन टुगेदर दैट फॉर्म्स रिंग, तो ये रिंग चेन आइसोमर हो गया इस तरह से। तो आप देखिए बच्चों कोई भी एग्जाम्पल, बस उसमें कंडीशन वही रहेगी कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलर मास सेम रहना चाहिए। तो इसी बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलर मास ये तो सेम आना ही चाहिए, यानी कि आप आइसोमर में बहुत बड़ी खास बात है स्टूडेंट्स कि इसमें से न तो कोई चीज आउट की जा सकती है न कोई चीज इन की जा सकती है, उसी में एडजस्ट करके क्या डिफरेंट कर सकते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। नथिंग कैन बी आउट, ये रूल है पूरे आइसोमेरिज्म का, नथिंग कैन बी आउट नथिंग कैन बी इन। एट प्रेजेंट जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें क्या क्या डिफरेंट चीजें आप सोच सकते हैं वही आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, आप कभी भी देखो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं प्रोपेन की साइकिल बना दूंगा कभी नहीं बनेगी। बच्चों आप कहोगे क्यों नहीं बनेगी सर, सिंपल सा है प्रोपेन है। अब मैं ऐसे कोई बच्चा ऐसे सोच लेगा, ये देखो सर हो गया ना रिंग चेन। लेकिन बच्चों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ये सोचिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आना चाहिए। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, तो 2 से ज्यादा हाइड्रोजन तो आप ला ही नहीं सकते इन 3 पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें कितने आ रहे हैं C3, H कितने हो गए यहाँ पे 6 और 2 8, जबकि नीचे वाले में देखो कितने हो रहे हैं 6, कहाँ मैच हो रहा बच्चे, नहीं मैच हो रहा। इसीलिए एल्केन कभी भी ओपन और रिंग नहीं बनाती, क्योंकि एल्केन सैचुरेटेड होती है, उसमें से 2 हाइड्रोजन कम आ रहे और आइसोमर में डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए तो उसका नाम आइसोमर है बच्चों। आइसो का मतलब सेम, मर मतलब पार्ट, कि उसमें दिखने वाले कार्बन दिखने वाली हाइड्रोजन के नंबर सेम होने चाहिए, तभी तो आइसोमर है वो। इसीलिए प्रोपेन कभी साइक्लोप्रोपीन नहीं बनती। अब आपको फिर सर कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा, आप प्रोपीन में चले जाइए, यस, तो प्रोपीन में तो सेम आ जाएगा ना बच्चों। तो देखो इसमें यहां पे जे सपोज आपने प्रोपीन एग्जांपल लिया CH double bond CH2, अब देखो बच्चों इसकी टोटल करो आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। तो देखो यहां पे कितने आ रहे हैं C3, देखो 3 और 1 ये 4 और 2 ये 6, तो देखो ये दोनों मैच हो रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मोलर मास तो सेम आएगा ही आएगा जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यानी कि आपकी जो प्रॉप इन है बच्चों, प्रॉप इन जो है वो साइक्लोप्रोपेन बना सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन का ही मैंने कहा था एडजस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें चेंज नहीं, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इन जो होती है बच्चों, जिसको अपन कहते हैं एल्कीन, तो आज के साइड में लिख दो कहीं पे भी, आपको बहुत इजी सा याद, एग्जांपल जब देंगे तो कोई भी बच्चों ओपन चेन एल्कीन को साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आपके पास अगर एल्काइन है तो 1 पाई बॉन्ड कम करके यानी कि साइक्लो एल्कीन लिख सकते हैं, तो ये आपके पास में सुटेबल एग्जांपल हो जाएंगे। यस, अब डेफिनेशन लिखो बच्चों, यस करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आर यू रेडी टू राइट डेफिनेशन स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू राइट डेफिनेशन, ओके लेट्स स्टार्ट बच्चों, लिखो those isomer which are different in chain and ring, मतलब एक ओपन चेन है और एक रिंग हो जाए, different in इन रिंग फॉर्म और चेन फॉर्म, एक चेन शो करता है एक रिंग शो करता है, तो उसको अपन रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे, और इसमें मोस्टली इन एन बनेगा साइक्लो में और आयन इन में, एक एक पाई बॉन्ड, यानी कि एक तरह से कहते हैं पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन पे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम किसी इन की साइकिल बना सकते हैं, आयन की इन में साइकिल बना सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में तो ये प्रॉब्लम आएगी साइकिल बनेगी नहीं, इसीलिए मोस्टली इसमें इन और
आइन पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, बाकी लिस्ट फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं, तो सुटेबल एग्जांपल में आप 2, 2, 3 राइट। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। जिनने साथ साथ नोट्स बना दिए वेरी गुड, और एक बार वापस से इसको वॉच कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये 4 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको फटाफट वापस से वॉच करके लर्न कर लीजिए। थैंक यू। ओके।